हाँ तो भैया, मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा तो अब है नहीं, तो क्यों ना हम लोग प्रॉपर्टी के हिस्से कर लेते हैं और अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। हाँ तो बांट लेंगे ना दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप तो बस अपने घर का देखो, हम लोग अपना बांटेंगे या नहीं उसके लिए आप परेशान ना हो। मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, आखिर मेरा भी तो हक बनता है ना। आपका हिस्सा? क्यों, मेरा कोई हक नहीं है क्या? मेरे पापा की प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा नहीं है क्या? देखिए दीदी, बाप की प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों का हिस्सा होता है। आपका क्या है? आप तो आपके पति के यहां पर भी हिस्सा ले रही हैं और यहां पर भी हिस्सा लेने आ गई। हाँ, क्योंकि ये मेरा हक है और मैं ये जरूर लूंगी। हक? तो फिर उस दिन आपका हक कहाँ चला गया था जब हम माँ बाप को लेकर इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक भाग रहे थे? अरे मैं यहाँ नहीं थी, अगर होती तो मैं यहाँ पे आ जाती ना। मैंने बताया था ना मैं बाहर हूँ। जब पता चला तब तो आना चाहिए था ना। प्रॉपर्टी लेना है तो टाइम पर आ गई आप, और जब डॉक्टर के पास जाना है तो आप तो मोबाइल ही बंद कर दिए। देखो, जो होना था सो हो गया। अब हम सबको मिलके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए भाई। क्या दीदी, आप कितने लालची हो, कुछ तो शर्म करो। देखो, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने भाइयों से बात करने आई हूँ, और इसके बीच में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। दीदी, हम ना इसके बारे में कल बात करेंगे, रात बहुत हो गई है, मुझे सोना है। कल कंपनी भी जाना है, कुछ लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं, आप भी रेस्ट कर लीजिए, होटल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। कहीं तुम लोगों ने मुझे रात को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया तो मैं तो होटल ही जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आए हैं, हम होटल में रुकने वाले हैं, कल मिलूंगी तुमसे। अच्छा ये बताओ दीदी, कैसा हिस्सा मांग रही है? अच्छा ये बताओ लक्ष्मी, क्या तुम सच में अपने भाइयों से हिस्सा लोगी? उन्होंने तो मम्मी पापा की कभी सेवा नहीं की। हक? क्यों नहीं लूंगी मैं हक? ये तो मेरा हक है। और इतने दिन तो पता भी नहीं, आज अचानक हिस्सा लेने आ गई। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन इसकी जरूरत क्या है, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो फिर ये छोटे मोटे के लिए क्यों? छोटे मोटे? तुमको ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोटा मोटा लगता है? 100 करोड़ की? हाँ, तुमको क्या लगा मैं 10-20 लाख के लिए ये सब करूंगी? मुझे नहीं पता था तुम्हारे पिता के पास इतनी संपत्ति है। अरे छोड़ो ना वो सब बातें, जो होगा सो होगा, अभी तो कुछ रोमांस वाली बातें करते हैं। अच्छा सुनो, अच्छा ये बताओ, तुम दोनों भाई क्या इस प्रॉपर्टी का हिस्सा दीदी को दोगे? अरे क्या तुम भी अभी इन्हीं सब बातों में उलझी हुई हो? खैर,
सुनो, तुमको जो भी मेरे से हेल्प लगेगी मैं करूंगा, मुझे बोलना। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगा। कोर्ट भी जाना रहेगा ना तो मैं एक से बढ़कर एक वकील करूंगा। लेकिन 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से जाने नहीं दूंगा। सो जाओ, रात के 2 बज गए हैं। चलो अब इसी खुशी में थोड़ा सा रोमांस तो बनता है। तो क्या सोचा है तुम लोगों ने, कब चलना है लॉयर के पास? क्या दीदी, जब मम्मी पापा थे तब तो आप आए ही नहीं बंटवारे के लिए। लेकिन उनके जाते ही दबाव बनाने लग गई हैं आप। चलो मान लीजिए हम बंटवारा ना करें और हम दोनों भाई अगर साथ में रहें, तब आप क्या करेंगी? तुम दोनों भाई साथ में रहो या ना रहो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो सिर्फ मेरे हिस्से से मतलब है। हिस्सा? कैसा हिस्सा? अगर मम्मी पापा इस दुनिया में होते और अगर वो बोलते दीदी को अपना हिस्सा दो तो हम दे भी देते, लेकिन अब दुनिया में वो है नहीं ना, तो आपका हिस्सा भी नहीं है। और सुनिए दीदी, प्रॉपर्टी तो हम दोनों भाइयों में बराबर बराबर बटेगी, आप जा सकती हैं। मैं जाऊंगी नहीं, तुम लोगों को कोर्ट में घसीटूंगी। और अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। मैं अभी अपने वकील से बात करती हूँ। देखो आपको जो करना है ना आप कर लो। फिलहाल मेरा कंपनी जाने का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जाओ, बहुत अच्छे से जाओ, और अब मेरा लॉयर ही तुम लोगों से बात करेगा। अब मैं भी देखती हूँ तुम लोग मेरा हिस्सा कैसे नहीं देते हो। क्या दीदी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमसे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, तुम तो चुप ही रहो, इस मसले से दूर ही रहो, समझी? क्यों आज मूड खराब है बेबी, क्या हुआ? मूड खराब नहीं है, मूड तो अभी बना रहा है। क्या हुआ, सीधी उंगली से घी नहीं निकला क्या? नहीं यार, लगता है अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम सारी तैयारियां कर लो, कल से मैं धाबा बोलती हूँ मैं। जैसा तुम कहो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें यकीन है वो डर जाएंगे? आखिर इतनी प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है उनके पास भी वकील होगा। Thank you.
क्या है ये? What is this? कल कोर्ट में आ जाना, वहीं पे बात करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने वकील को बुला लेता हूँ और यहीं पर बैठकर बात करते हैं ना दीदी। घर का मामला है, घर पर ही सुलझा लेते हैं। बाहरी दुनिया को हम हमारा दर्द सुनाएंगे तो लोग हंसेंगे, और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कोर्ट में ही जाएंगे ताकि दुनिया वालों को भी पता चले कि जब बहन का हिस्सा ना दे तो क्या होता है। दीदी आप क्यों माँ पापा की इज्जत की ऐसी तैसी कर रही हैं? घर की बात अगर घर में ही सुलझा लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। हाँ ठीक है ठीक, तुम तुम्हारे लॉयर को कॉल करो, मैं मेरे लॉयर को। देखो ना ये सब क्या हो रहा है। हेलो वकील साहब। हाँ रोहित, क्या बात है? वकील साहब आप जल्दी से घर आ जाइए मेरे। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ यस वकील साहब, आप बोल रही हूँ। आज आप मिल सकते हैं? ओके ठीक है, तो आप मेरे घर आ जाइए। ओके ओके। हाँ तो वकील साहिबा, अब आप ही बताइए, तो क्या बाप की प्रॉपर्टी पर बेटी का कोई हक नहीं? देखिए पिता की संपत्ति पर बेटी का भी बराबर का हक होता है, और ये आपके वकील साहब भी जानते हैं। बात तो सही है रोहित बाबू, 9 सितंबर 2005 से ये लागू हुआ है। और वैसे भी आपके मम्मी पापा तो हाल ही में मरे हैं, तो लक्ष्मी जी का पूरा हक है प्रॉपर्टी पे। अगर आपके मम्मी पापा 9 सितंबर 2005 से पहले मरे होते तो लक्ष्मी जी का प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होता। देखा, मैं कह रही थी ना कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अगर अभी भी भरोसा नहीं है तो हम अभी भी छोड़ के जा सकते हैं। वकील साहब क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है, आप लोग कागज मंगा लो, जो काम हम लोगों को कोर्ट में करना है वही कर लेते हैं। आप लोग जाकर लिखवा लेना। ऐसा कैसे कर सकते हो वकील साहब आप लोग? अरे मम्मी पापा की सेवा हम करें और मेवा कोई और खाए, लेकिन वो शादी करने के बाद दूसरे घर पे गई। हाँ वहाँ पर भी उसके पति का हिस्सा, और यहाँ पर हमारे घर में भी उसका हिस्सा, ऐसा कैसे? क्या ये ठीक रहेगा वकील साहब? देखो रौनक, तुम अभी नहीं समझोगे, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर है। रोहित भाभी को बोलो कि वो कागज लेके आए। मैं बोली थी ना कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, ये बात पहले ही समझ गए होते तो यहाँ पर हम सबको बैठक नहीं लगानी पड़ती। वकील साहब क्या ठीक है?
आप तो समझ ही गई होगी ना वकील साहब। क्या समझ गए होंगे? आपके वकील साहब आपको बता देंगे। बता दीजिए वकील साहब। देखिए, ये प्रॉपर्टी आप लोगों की खानदानी प्रॉपर्टी है और इस पर आपका कोई हक नहीं है। हाँ, एक दो हिस्सा आपके पिताजी ने खरीदा था, उस पे आप बंटवारा कर सकते हैं और यही कोर्ट के कानून का आदेश है। देखिए, उसमें हमें बंटवारा नहीं चाहिए वकील साहब। दीदी, उसमें आप ये हिस्सा रख लीजिए। क्या हुआ वकील साहिबा? तुम तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रही थी, क्या हुआ तुम्हारी इन कानून की किताबों का? हाँ? आज के बाद मुझे अपना मनहूस मुंह कभी मत दिखाना, समझी? थैंक्स वकील साहब फॉर कमिंग। थैंक्स की कोई बात नहीं, अब जितना जल्दी हो सके ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, नहीं तो आगे भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आप इससे संबंधित सारे काम कर दीजिए, बयान हम लोग ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते। क्यों ना रौनक को उठा के प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जाए। आइडिया बुरा नहीं है मेरी जान। चले। वाह भैया भाभी, मुझे रास्ते से हटाने चल दिए। शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैं तुम्हें देख सकता हूं। हा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